skies are bleeding on me. Why'd you leave me lonely? Feeling windy, stony, riding for you. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर कर रही हूँ टमाटर की चटनी की रेसिपी। टमाटर की चटनी तो वैसे हर कोई अपने घर में बनाती है, लेकिन मैं किस तरीके से मेरे तरीके से बनाती हूँ वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। देखिए, मैंने चॉपर में टमाटर को चॉप कर लिया है। आप हाथ से भी कट कर सकते हो छोटे छोटे पीस में। उसके बाद मैंने लहसुन लिया है, हरी मिर्ची और 3 बड़े प्याज लिए हैं। लहसुन को इस तरीके से कुचल लिया है, एक बड़ा जो लहसुन का वो आती है ना कली, वो बड़ा लिया है। और अभी मैंने ऑयल डाला है पतीली में, और उसमें ज़ीरा डाला है, अखा ज़ीरा और कुटा हुआ लहसुन, और ये देखिए कड़ी पत्ता, हरी मिर्ची और प्याज, उसको मैं ऑयल में डाल दूँगी। और उसके बाद उसको थोड़ा हल्का जो है ना कलर आने देना है प्याज में। और फिर उसमें हम मसाले ऐड करेंगे, हरी लाल मिर्ची का पाउडर और हल्दी पाउडर। ये देखिए, इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, और इसमें नमक भी डालना है। और फिर उसमें बाद में हम टमाटर ऐड कर देंगे। बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है ये, और बहुत ही टेस्टी लगती है। टमाटर की चटनी तो हर किसी की फेवरेट होती है, बहुत अच्छी लगती है, मुझे भी बहुत पसंद है। आप ज़रूर ट्राई करके देखिए मेरे तरीके से बनाकर, आपको बहुत अच्छी लगेंगी। और इसके तो टमाटर की चटनी के तो मतलब के बहुत ही अलग अलग लोग और अलग अलग तरीके से लोग बनाते हैं। आप इस तरीके से ट्राई करेंगे आपको अच्छा लगेगा। अभी मैंने इसमें लाल मिर्ची का पाउडर ऐड किया है, आपको जितना तीखा लगता है आप उतना तीखा ऐड कर सकते हो। हल्दी पाउडर है, उसको मैं थोड़ा मिक्स कर लूँगी ऑयल में और मसालों में। फिर उसके बाद जो है टमाटर हमने जो कट करके रखे हैं वो ऐड कर देंगे इसमें, और फिर उसको फुल फ्लेम पर अच्छी तरीके से इसको भूनकर पकाना है। और आप जितना ही इसको पकाएंगे ना उतनी ही टेस्ट ये बनती है। जितना आप उसको स्लो फ्लेम पर, पहले तो फुल फ्लेम पर आपको अच्छी तरीके से इसको पकाकर थोड़ा सा पानी इसका सूखा लेना है। फिर इसके बाद स्लो फ्लेम पर ढककर 15 से 20 मिनट तक छोड़ देना है, तब तक कि टमाटर पूरी तरीके से गल नहीं जाए तब तक इसको पकाना है। और इसमें पानी ऐड नहीं करना है और ऐसे ही सर्व करना है। अभी मैं इसमें हरा धनिया भी ऐड करूँगी और उसको फिर बाद में ढक कर छोड़ दूँगी। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो लाइक करिए वीडियो को, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।